बौखलाकर हमारे वीआईपी सुप्रीमो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते रहते हैं। संगठन अपने लक्ष्य से जब दिशा विहीन हो जाता है तो फिर अपने समाज क्या, अपने प्रांत, अपने देश को ही वो नुकसान पहुंचा देता है। वही स्थिति अभी हमारे वीआईपी सुप्रीमो का हो गया है। धन्यवाद। वर्तमान समय में वो वीआईपी पार्टी भाई मुकेश सहनी जी, मुकेश सहनी जी के मोबाइल पर पर्सनल उनके वेबसाइट वीआईपी पार्टी के वेबसाइट एवं फेसबुक पर एक फोटो अपलोड करके दिखाया गया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वीआईपी पार्टी में ज्वाइन। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अपने नीति और क्रियाकलापों के आधार पर चलता है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्र जी और पूर्व में वीआईपी के साथ देने वाले अशोक चौहान जी, ये दोनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वीआईपी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने आस्था जताते हुए पार्टी में ज्वाइन किया। इससे बौखलाहट होकर बौखलाकर हमारे वीआईपी सुप्रीमो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते रहते हैं। ये कोई भी पार्टी विचारधारा से चलती है, लेकिन जब विचारधारा को छोड़कर वो नदी हो या संगठन हो, जैसे नदी का मार्ग है, पानी का मार्ग है नदी, और वो जब छोड़ देता है, दिशा बदल देता है, तो बाढ़ के रूप में आकर वो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। उसी प्रकार कोई भी संगठन अपने लक्ष्य से जब दिशा विहीन हो जाता है तो फिर अपने समाज क्या, अपने प्रांत, अपने देश को भी वो नुकसान पहुंचा देता है। उसी को वही स्थिति अभी हमारे वीआईपी सुप्रीमो का हो गया है, जो निश्चित रूप से ये तंग आकर अपने पार्टी की स्थिति को देखकर जैसे मन में आता है उस तरह का बयानबाजी करने लगे हैं। ये निश्चित रूप से हम लोग इसका निंदा करते हैं। मुझे लगता है जो अपने पार्टी के संस्थापक सदस्य। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।